गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास। यस्टरडे वी रीड अबाउट द यूज ऑफ हैज एंड हैव। वी यूज हैज विद वन पर्सन, एनिमल और थिंग, और ही शी और इट, एंड मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग, आई, यू, वी और दे के साथ वी यूज हैव। Now today we will do the work of vocabulary. Look at these words. In words को देखिए, work plus shop, जब इन्हें हमने combine किया तो क्या बना, workshop. As it is, cup plus board, when we add these words it make cupboard. वी कैन ज्वाइन टू शॉर्ट वर्ड्स टू मेक अ न्यू लॉन्ग वर्ड, मीन्स जब हम दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे एक बड़ा शब्द बनता है। एज इट इज़ द वर्क इज हियर, मैच द वर्ड्स इन ए विद द वर्ड्स इन अ बी, राइट द न्यू वर्ड इन सी। क्या करना है हमें, ए और बी में दो शॉर्ट वर्ड्स हैं जिन्हें कंबाइन करके, मैचिंग करके हमें यहाँ पर जो लॉन्ग वर्ड बनेगा कॉलम सी में हमें उसे लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, होम और वर्क, तो बना क्या, ए में लिखा होम प्लस वर्क इज इक्वल टू होमवर्क। नेक्स्ट वन इज बास्केट, बास्केट से हम किसकी मैचिंग करेंगे, बास्केट रूम, इज इट करेक्ट, नो, बास्केट मैन, नो, बास्केट बैग, नो, और वर्क तो ऑलरेडी हो चुका है, बास्केट बॉल, इज इट क्लियर, इज इट करेक्ट ना, यस इट इज करेक्ट, बास्केटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर, बास्केट प्लस बॉल इज इक्वल टू क्या बना, बास्केटबॉल। तो राइट हियर बास्केट बॉल। द थर्ड वर्ड इज बेड, बेड की मैचिंग किससे होगी, बेड रूम से, तो वी विल मैच हियर एंड राइट हियर बेड प्लस रूम इक्वल क्या बना, बेडरूम। सो राइट हियर लॉन्ग वर्ड बेड रूम। नेक्स्ट वन इज वॉच, वॉच से क्या बनेगा, देखिए बास्केट बॉल यूज हो चुका तो हमने बास्केट बॉल को भी मैच कर दिया, बेडरूम मैच हो चुका, अब हमारा क्या बचा, मैन और बैग। नाउ वॉच को हम किससे ऐड करेंगे, मैन से, वॉचमैन यानी चपरासी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर वॉच प्लस मैन इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे इसको कंबाइन करके वॉच मैन। एंड लास्ट में क्या बचा, हैंड प्लस बैग, तो हमने हैंड बैग को भी मैच कर दिया। नाउ राइट हियर इन ई हैंड प्लस बैग इक्वल को साइन लगा क्या बना, हैंड बैग। नाउ लुक एट पेज नंबर 93, राइटिंग वर्क। श्रुति इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड अबाउट द स्कूल ट्रिप टू चन्नपटना। इन द चैप्टर द टॉय टाउन में श्रुति इज अ गर्ल एंड सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड अबाउट द स्कूल ट्रिप टू चन्नपटना। वो अपने स्कूल ट्रिप के चन्नपटना जो गई थी घूमने, उसके बारे में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रही है। कैन यू हेल्प हर फिनिशिंग इट यूजिंग द क्लूज इन द ब्रैकेट्स। ये कह रहे हैं कि क्या आप
क्लूज जो दिए गए हैं इनकी सहायता से इस लेटर को कंप्लीट करने में उसकी मदद कर सकते हो। इट मीन्स अब हम ये जो लेटर दिया गया है इसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन कैसे? दिए गए क्लूज की सहायता से। तो डियर, डियर मीन्स प्यारी। अब श्रुति के फ्रेंड का नाम तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए श्रुति की फ्रेंड का नाम है नेहा। आप यहाँ पर किसी भी फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं। अब उसने क्या पूछा? हाउ आर यू, तुम कैसी हो? आई एम वेल, मैं अच्छी हूँ, है ना? हम जब लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हम अच्छे हैं, और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह अवर क्लास टीचर मिस रॉय, हमारी कक्षा अध्यापिका मिस रॉय। अब क्लू क्या दिया गया है? टेक अस डैज स्कूल ट्रिप डैज रियल टॉय टाउन। अब हम इन्हें कंप्लीट करके यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी लास्ट वीक आवर क्लास टीचर मिस रॉय हमको लेकर गई, तो टेक का क्या हो जाएगा? टुक अस ऑन अ स्कूल ट्रिप। रियल टॉय टाउन। देखिए ये जो हमने हमारे क्लूज थे ना, टेक अस स्कूल ट्रिप और रियल टॉय टाउन को हमने क्या बनाया? टुक अस हमें लेकर गई ऑन अ स्कूल ट्रिप, यानी स्कूल की ट्रिप में, टू अ रियल टॉय टाउन। कहाँ के लिए लेकर गई थी? रियल टॉय टाउन के लिए। नेक्स्ट लाइन इज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन अ स्कूल ट्रिप विद ऑल माई फ्रेंड्स। उसने बताया कि ये मेरे स्कूल के मित्रों के साथ स्कूल का कोई एक पहली यात्रा थी। वेन वी रीच्ड चन्नपटना, जब हम चन्नपटना पहुँचे। नाउ क्लूज आर शॉप्स कलरफुल वुडन टॉयज। नाउ वी यूज दीज क्लूज टू फिल अप दीज ब्लैंक। When we reach चन्नपटना, जब हम चन्नपटना पहुँचे, we saw, हमने देखा, क्या देखा? Shops देखा, देखे हमने। We saw shops, और shops में क्या थे? Colorful wooden toys, तो लिखेंगे with colorful wooden toys in them, यानी जब हम चन्नपटना पहुँचे हमने शॉप्स में शॉप्स को देखा, कैसे देखा? With colorful wooden toys in them, उनके अंदर रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों के साथ। We even dash, now clues are go, toy maker workshop। हम गो मीन्स जाना, टॉय मेकर मीन्स जो खिलौने बनाते हैं, वर्कशॉप यानी जहाँ पे वो खिलौने बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वी इवन गो का हम अपना बता रहे हैं, यानी स्टोरी हमारी पास्ट में लेटर हो रहा है कि हम गए, है ना? तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। वी इवन वेंट टू अ टॉय मेकर्स वर्कशॉप, फुल स्टॉप। यानी वी इवन वेंट टू अ टॉय मेकर्स वर्कशॉप, हम टॉय मेकर खिलौने बनाने वालों के वर्कशॉप यानी दुकान में भी गए। नेक्स्ट इज श्रुति उषा एंड आई, अब क्लूज में क्या दिया है? वॉच टॉय मेकर पेंट डॉल। नाउ विद दीज क्लूज वी विल कंप्लीट दिस डैश। श्रुति उषा एंड आई वॉच्ड
a toy maker paint a doll, full stop. यानि श्रुति, उषा और मैंने वॉच्ड यानि देखा अ टॉय मेकर एक खिलौने बनाने वाले को पेंट अ डॉल, डॉल को पेंट करते हुए. यानि मैंने, मेरी फ्रेंड उषा और श्रुति ने डॉल को पेंट करते, टॉय मेकर को डॉल को पेंट करते हुए भी देखा. ओ आई विश आई कुड मेक सच प्रिटी टॉयज, उसने कहा, उसने विश करी कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, प्यारे खिलौने बना सकती. बिफोर वी लेफ्ट चन्नपटना, चन्नपटना छोड़ने से पहले, क्लूज क्या दिया है, मिस रॉय स्टॉप टॉय मेकर, टॉय मार्केट बाय ब्यूटीफुल डॉल्स. सो राइट हियर मिस रॉय stopped at the toy market to buy some. Now here space nahi hai, so we write here. So we will write here by some beautiful dolls. बेटा वो ट्रिप में हो आए हैं, यानी ये पास्ट में काम हो चुका है, इसलिए हम हर जगह वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे. जैसे हमने यहाँ पर गो का वेंट किया था, सी का शो किया था यानी हमने वहाँ देखा, ले जाने के लिए टेक का टुक किया था, वॉच यानी देखना, और इसका पास्ट फॉर्म वॉच्ड यूज़ किया था. ठीक इसी तरीके से यहाँ पर स्टॉप का हम स्टॉप यूज़ करेंगे. मिस रॉय स्टॉप्ड एट द टॉय मार्केट, मिस रॉय खिलौने के बाजार में रुकी, टू बाय सम ब्यूटीफुल डॉल्स, कुछ खूबसूरत गुड़ियों को ख़रीदने के लिए. फॉर ईच ऑफ अस यानी हम सब के लिए, उन्होंने हम सब के लिए एक डॉल खरीदने के लिए वो रुकी. आई कुड नॉट वेट टू शो इट टू द मदर, इट टू मदर, मैं इसको अपनी माँ को दिखाए बगैर नहीं रह सकी. यानी उनको, उसको वेट नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे इंतज़ार कर सकूँ, इस घर पहुँचूँ और जल्दी से इसे वो अपनी अपनी माँ को दिखाऊँ. When I came home, जब मैं घर आई, I showed the doll to my mother. मैंने अपनी माँ को वो अपनी डॉल दिखाई. And father, अपनी माँ को भी दिखाई. And told them, और उनसे कहा, about all the fun I had with my friends. उस सभी fun यानी मज़ेदार बातों के बारे में मैंने अपने माता पिता को बताया, जो मैंने अपने friends के साथ वहाँ पर किया. Now, यहाँ पर clues हैं. They very happy. Enjoy school trip. Now, they were very happy. जब मैंने अपने माता पिता को अपने ट्रिप के बारे में बताया तो they were very happy. वे बहुत खुश थे. That I enjoyed my school trip. वो बहुत खुश थे ही जानकर कि मैंने अपने स्कूल ट्रिप को बहुत इंजॉय किया, यानी मुझे बहुत मज़ा आया. Does your school take you on school trip too? अब वो अपने फ्रेंड से पूछ रही है कि क्या तुम्हारे स्कूल के, स्कूल में भी तुम्हें इस तरीके की स्कूल ट्रिप के लिए भी लेके गए हैं. Where do they take you, वे तुम्हें कहाँ लेकर गए. I would love to hear your stories too, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा. Your friend श्रुति, तुम्हारी मित्र श्रुति. So
स्टूडेंट दिस इज द लेटर दैट श्रुति रोट हर फ्रेंड. यू रोट दिस लेटर इन योर टेक्स्ट बुक वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. टिल देन आवर नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एवरीवन.